पार्टी के विधायक की पत्नी को आपने हरा दिया, समाजवादी पार्टी के सांसद जिसको जो समर्थन कर रहे थे आपने उसको हरा दिया, क्या मानती हैं इसके पीछे प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब आवाम की मेहनत है और दुआओं का नतीजा है कि आज इस मकाम पर पहुंचाया अल्लाह ताला ने। संभल नगर पालिका से AIMIM की प्रत्याशी आशिया मुशीर ने संभल से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से इस मुकाबले को उन्होंने सामने किया, क्या मानती हैं इस जीत के पीछे क्या मकसद था पूरा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ और फिर संभल की आवाम का शुक्र अदा करना चाहती हूँ बहुत बहुत। और आगे जो भी सोचा है, जो भी आवाम की मर्जी है, इंशाल्लाह उस पर खरा उतरेंगे सब। इंशाल्लाह जैसा सोचा है आवाम ने, इंशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस तरह से जो है अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी अब आप अपनी जो पूरी भागीदारी आगे बढ़ाएंगे, क्या प्लान है? जी इंशाल्लाह, ये तो वक्त बताएगा कि मतलब किस तरह से वो होता है। जैसे आवाम ने अब साथ दिया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी आवाम साथ देगी। संभल में एक समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी को आपने हरा दिया, समाजवादी पार्टी के सांसद जिसको जो समर्थन कर रहे थे आपने उसको हरा दिया, क्या मानती हैं इसके पीछे प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब आवाम की मेहनत है और दुआओं का नतीजा है कि आज इस मकाम पर पहुँचाया अल्लाह ताला ने और आगे भी इंशाल्लाह सब सही होगा। और इंशाल्लाह आवाम चाहेगी तो लोकसभा में इंशाल्लाह भागीदारी होगी हमारी। तो इस तरह से जो है संभल में जिस तरह से जो है AIMIM की प्रत्याशी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी जो कि रुखसाना इकबाल थी उनको हराया, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक रहमान बर्क के समर्थन से जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को बुरी तरह से जो है कई कड़ी परस्त जो उन्होंने जो दिलाई है, इसके बाद कहीं ना कहीं उनका कहना सीधे तौर पर यही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी, केवल एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है और इसी कारण उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। हालांकि संभल में जिस तरह से AIMIM पार्टी अब आने वाले समय में किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएगी इसको लेकर उनका कहना है कि जनता जिस तरह से साथ देगी उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो वक्त पर देखने वाली बात होगी कि आखिर संभल में AIMIM अब किस मुकाम पर पहुंचती है। अभिनव माथुर, संभल, UP तक।